जब घड़ी इशारा करे रात के 8 का, तब वक्त होता है आरबीएस सच की आवाज का। नमस्कार, मैं हूं रचित दुबे, आप देख रहे हैं आरबीएस न्यूज सच की आवाज। हम आज से दिमागी खबरों के साथ आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जन सुनवाई में आए पुरुष सरपंच ने एसडीएम पर फेंकी स्याही। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र से ट्रेन से कटा युवक। अष्टेश्वर मंदिर के पास बीएसएनएल कर्मचारी बैठे हड़ताल पर। जन सुनवाई में आए मारपीट के मामले। माधवन थाना क्षेत्र के बिक रही है हवे शराब। ग्वालियर थाना क्षेत्र में दो गुंडों में मारपीट, 4 लोग हुए घायल। और मोहना थाना क्षेत्र में मिला एक युवक का कंगाल। अब खबरें विस्तार से। ग्रामीण क्षेत्र में 5 मई से खराब ट्रांसफार्मर बदले जाने के लिए सुनवाई न होने से नाराज पूर्व उप सरपंच पूरन सिंह यादव ने डिप्टी कलेक्टर विनोद सिंह पर स्याही फेंक दी। घटना उस वक्त हुई जब विनोद सिंह कलेक्ट्रेट के बाहर पूरन सिंह व उसके साथ आए करीब 10 लोगों से ज्ञापन ले रहे थे। दोपहर करीब 1:30 बजे का समय था, कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई चल रही थी। पूर्व उप सरपंच पूरन सिंह अपने साथियों के साथ ज्ञापन लिए खड़े थे, जिसमें लिखा था कि कई गांवों में ट्रांसफार्मर कई महीनों से फूके हुए हैं, ऐसे में वहां के ग्रामीणों को दूर के गांव से बिजली सप्लाई लेनी पड़ रही है। इस पर विनोद सिंह ने कहा कि बिजली कंपनी के अधिकारियों से बात करके समस्या का समाधान कराएंगे। तभी पूरन सिंह ने जेब से काले रंग की स्याही की बोतल निकाली और विनोद सिंह पर फेंक दी, जो कि उनके चेहरे और कपड़े पर गिरी। इसके बाद वहां उपस्थित लोगों ने पूरन को पकड़ लिया, पुलिस के जवानों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बाद में पूरन सिंह को यूनिवर्सिटी थाने में पहुंचा दिया गया है। जार का नाप हो गया खराब है, बिजली की समस्या को लेकर 150 नाप कह रिया थे। एसडीएम साहब से बातचीत कर रहे थे वहीं, तो इतने में कुछ सहरिया लिया होगा स्याही वाई बच्चों के लिए, तो उसे धक्का मुक्की में स्याही फैल गई, तो मेरे को अरेस्ट कर लिया गया और मेरे में लठ बहुत दिए, वहाँ हड्डी टूट गई है गरेगी मेरे की। तो आपसे 4-5 बार ज्ञापन दे चुके, तो ट्रांसफार्मर नहीं रख रहे थे, बेचार का नाथ हो गया पड़ा पे। अब शहरी आदिवासी बेचारे गरीब गुरुवाए निकु संतना में मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी घोषणा करते रहते, वैसे शहरी आगे लिए जे किया जाएगा वो किया जाएगा, जो कि शहरी ने कहा। और आजीविका मिशन से एक बकरी पालन के लोन का प्रकरण था, बिल्कुल सबने के लोन स्वीकृत हो गए 52 लोगों के, तो बैंक में पहुंच गए हैं, बैंक के बारे लोन देने से मना कर रहे हैं बिल्कुल। हाँ, जो कि मुख्यमंत्री बाबू की घोषणा करते रहते हैं कि पूर्व सरपंच आज कलेक्ट्रेट पे एक ज्ञापन देते वक्त ये पूरन सिंह यादव पुत्र जगमोहन सिंह यादव निवासी मोहनपुर के गए थे, इनके साथ 50-60 आदमी थे। ये किसी नातों के पुरा पे कोई ट्रांसफर खराब हो गया था, उसके बारे में जो ज्ञापन देने गए थे, तो इनके द्वारा एसडीएम विनोद सिंह साहब के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और इनके द्वारा उनके ऊपर स्याही थकी गई,
ऐसी सूचना कलेक्ट्रेट से प्राप्त हुई, तत्काल इनको 151 बंद किया है और उनकी शिकायत पर हम इनके खिलाफ प्रत्यक्ष प्रकरण दर्ज कर रहे हैं और उसमें कार्रवाई करेंगे। क्या उसको गिरफ्तार कर लिया? हाँ, उसको हिरासत में ले लिया है और उसको 151 जब्ता फौजदारी में हमने गिरफ्तार कर लिया। क्या नाम है? उसका नाम है मोहन सिंह यादव, नहीं पूरन सिंह यादव, निवासी मोहनपुर। ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र की रेलवे ट्रैक पर एक युवक की लाश पड़ी हुई थी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर एक युवक की लाश पड़ी हुई थी। आसपास के लोगों ने जब लाश देखी तो उन्होंने पुलिस को फोन किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, साथ ही पंचनामा बनाकर जांच शुरू कर दिए। हीरालाल ये एक्सीडेंट से हुआ है सर। कैसे, क्या हुआ? ट्रेन से कट के मर गया। क्या करते थे, क्या नाम? मिस्त्री का, राम सेवक नाम है उसका, जिला टीकमगढ़ जतारा। तो क्या आप तरह की घर से निकले थे, कहाँ, कैसे रास्ता निकले थे? कोई रास्ता नहीं था। कैसे, क्या बता के निकले? मजदूरी जा रहे हैं हम लोग ग्वालियर, बस नहीं जान के क्या हो गया फोन के बाद। अभी 5-8 दिन पहले निकले थे। हीरा लाल पूछो कल सुबह 9:15 हमको सूचना मिली, किरायरू फार्म एवी रोड के किनारे रेल की पट्टी में डेड बॉडी पड़ी है। हम वहाँ मौके पे गए, देखा तो छत भी था हालत में, रेल से कट के डेड बॉडी पड़ी थी। अज्ञात था, उसके जेब से एक आधार कार्ड मिला था जिसमें राम सेवक मिस्त्री पुत्र गणपत अहरवाल निवासी ग्राम साह थाना जतारा जिला टीकमगढ़ का था। एक मोबाइल भी मिला, मोबाइल में भी जब उसके कॉल आए तो संबंधित इनके परिवार वालों को कॉल किया तो परिवार वालों को कल खबर मिली और आज इन लोगों को बुला के CM करवाया गया है। उसकी मृत्यु स्पष्टतः रेल से कटके हुई है, रेल से गिर के हो या कूदा हो, जो कुछ भी हो, छोटी लाइन रेलगाड़ी। आज उसका PM हो चुका है और डेड बॉडी उनके परिजनों को सौंप दी। अश्वेश्वर मंदिर के पास स्थित BSNL के ऑफिस के बाहर BSNL के अधिकारियों और कर्मचारियों ने अचानक हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल पर बैठे BSNL के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार ने BSNL को टावर कंपनियों में शिफ्ट करने की कोशिश की तो देश भर में उनकी यूनियन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएगी। आज से शुरू हुई भारत संचार निगम लिमिटेड की सभी यूनियंस एसोसिएशन की संयुक्त संघर्ष समिति ने एक होकर हड़ताल का समर्थन किया जो कि 2 दिन तक चलेगा। कितने की है, हमने की है, कितने की भारत और कितने इंकलाब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद अधिकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद 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 अवर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद अवर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद अरे दिल्ली आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और मांगे न मानी नहीं तो क्या होगा, अरे मांगे न मानी नहीं तो क्या होगा, अगर मांगे न मानी गई तो क्या होगा। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, प्रधानमंत्री मोदी होश में आओ, होश में आओ, अरे वित्त मंत्री होश में आओ, होश में आओ,
जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकारी कर्मचारी एकता जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अरे मोदी जी होश में आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। टक्कर में अरे दिल्ली के नेता आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और प्रजातंत्र में इटली हर कम वेतन और ये महंगाई। अरे दिल्ली के नेता आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। अनेक मजदूरों एक हो, एक हो एक हो। और अनेक मजदूरों एक हो, एक हो एक हो। हर तुम्हारा नारा। अरे अभी तो ये लड़ाई है, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आज क्या है, आज क्या है, आज। अरे वित्त मंत्री होश में आओ, संचार मंत्री होश में आओ, संचार मंत्री होश में आओ। सर पीआरसी में रहेंगे, 30% सुपर एनुशन लेके रहेंगे। अरे टावर कंपनी नहीं बनेगी, घर पी आर सी लेके रहेंगे। अरे दिल्ली के नेता आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ। अरे दिल्ली, क्या नाम है आपका और किस संबंधी का? मैं आरजी यादव डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ AIBSNL, ये जो हमारा एसोसिएशन है उसका। और पूरे हिंदुस्तान में आज हमारी हड़ताल है। हमारी 3 मांगे हैं। 1/1/2017 से हमारे वेतनमान लागू होने चाहिए, 3rd PRC हमें मिलनी चाहिए जो सरकार हमें नहीं दे रही है। और दूसरी हमारी मुख्य मांग है कि टावर कंपनी जो है अलग से बनाई जा रही है, हमारे विभाग को तोड़कर उसे ना बनाया जाए। वो सारा काम हम विधिवत रूप से हमारे लोग करते हैं और अच्छी तरीके से कर रहे हैं। ये हम पे टावर कंपनी जबरदस्ती थोपी जा रही है, इससे हमारा नुकसान होगा। इस टावर कंपनी के हम लोग खिलाफ हैं। दूसरा, हमारे जो डायरेक्ट जो रिक्रूटी हुए हैं 2000 के बाद, उनको पेंशन और किसी भी तरह की सुविधाएं नहीं दी गई हैं। 30% सुपर एनुशन उनको दिया जाए, उसके लिए हम हर हालत में लड़ेंगे। अगर हमारी ये मांगे नहीं मानी गई तो हो सकता है हमें आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पूरे हिंदुस्तान भर में करनी पड़ेगी। और 3rd PRC हर हालत में लेके रहेंगे। अभी 2 दिन की हड़ताल है पूरे हिंदुस्तान भर में। पूरा हिंदुस्तान बंद है, कोई भी ताला नहीं खुला है कहीं पर भी। सारे दफ्तर हमारे बंद हैं और ये मुकम्मल हड़ताल है 2 दिन की। इसके बाद सरकार अगर नहीं मानती है तो निश्चित तौर पर हम जो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। ये बता, तेरी सोच क्या है? कभी कुछ सोचता है, कभी कुछ सोचता है। आज हुई जनसुनवाई में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर अधिकतर मामले मारपीट के आए, जिस पर SP ग्वालियर के जांच के निर्देश देकर कार्रवाई की बात कही। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर आज जनसुनवाई का दिन था। जनसुनवाई में हर बार की तरह इस बार भी ज्यादातर मामले पारिवारिक प्रताड़ना एवं मारपीट सहित जमीन जायदाद से जुड़े हुए विवादों के आए। सभी मामलों को सुनकर ग्वालियर पुलिस अधीक्षक ने उन पर जांच एवं कार्रवाई की बात कही। नहीं, लेकिन बढ़िया।
आज ज्यादातर पारिवारिक और संपत्ति संबंधी जो विवाद हैं उसके मामले आए हैं। कुछ एक प्रकरण पुलिस के विरुद्ध शिकायत के भी हैं और कुछ एक जो शिकायतें हैं वो आरोपी जो फरार हैं और अभी नहीं पकड़े गए उनके विरुद्ध। ग्वालियर के माधोगंज थाना क्षेत्र में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है। माधोगंज थाना क्षेत्र में अवैध शराब बेच रहे व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें शराब खरीद रहा व्यक्ति बेचने वाले से बात कर रहा है कि वह पकड़ा तो नहीं जाएगा। वहीं शराब बेच रहा व्यक्ति उसे आश्वस्त कर रहा है कि उसे कुछ नहीं होगा। इस वीडियो के बारे में ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक ने जांच कर सख्त कार्रवाई की बात कही है। जो दूसरा दे दूसरा बूंदी ढके ढक्कन कस दी है अगर ऐसा कोई वीडियो वायरल हुआ है तो उसपे भी कार्रवाई होगी और ये भी देखा जाएगा कि इस तरह का जो अवैध शराब या नशे का पदार्थ या जुआ सट्टा का कार्रवाई कतई ना हो और संबंधित वीर प्रभारी से भी इसके संबंध में स्पष्टीकरण ली जाएगी। मारपीट की घटना फेसबुक पर अपलोड करने पर हुए विवाद में जमकर मारपीट हुई, जिसके 4 लोग घायल हो गए। उपनगर ग्वालियर में 2 दिन पूर्व हुए झगड़े का वीडियो फेसबुक पर अपलोड करने पर घासमंडी में 2 गुटों में आपस में जमकर विवाद हो गया। दोनों तरफ से खूब लाठी चली, पत्थर भी फेंके गए, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्वालियर थाने की पुलिस ने दोनों ही पक्षों की शिकायत पर क्रॉस मुकदमा दायर कर लिया है। मैं अपने भाई से मिलने गया था जेल पर, तो ये लोग जाकर आगे में गाड़ी नष्ट कर रहे थे। सुरेंद्र है, सिकंदर है, सुरेंद्र का भाई गजेंद्र है, सिकंदर का भाई बंटी था। तो बात क्या बात करते हैं। बात कुछ नहीं थी, ये लोग 2-3 दिन से गाली गलौज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी तमाम उल्टे सीधे ने कमेंट्स किए हैं, मैं उसकी भी मैसेज निकाल रखा है, प्रिंट आउट ले लिया इसका, स्क्रीन शॉट लेके उसको भी गाली गलौज कर रहे थे, मैं उसको भी कमेंट नहीं किया। उसके बाद इन्होंने कहा घर आके गाली गलौज, मम्मी को भैया को गाली गलौज किया। बात हुआ मेरे घर के बाद चौराहे पर, मेरे घर के दरवाजे घाट मंडी आओ खाना, ये पुरानी बंदी थी रखे हुए हैं। इन लोगों पर क्या है, वैसे ही अपराधी प्रवृत्ति है, मैंने कहीं आगे दिखवाऊंगा तो मेरी जान को खतरा है। ये लोग इनको कम से कम दोनों सुरेंद्र सिकंदर भी मिला, कम से कम दोनों 20 केस होंगे इनके पास,
मैं पहले भी अच्छे साहब आवेदन करना चाहता हूँ, जिला बदल क्यों नहीं हो रहा है, फायदे बनी हुई रखी है, जिला बदल क्यों नहीं किया जा रहा है, इतने अपराध आए दिन अपराध कर जा रहे हैं, 376, 155, 307 ऐसे करके करीब उनसे 20 अपराध उनका पंजीकर दे गए, एक आदमी 20 अपराध पंजीकर रखे हैं, फायरिंग नहीं हुई है, लोगों ने मैं जैसे जेल से लौट के आया हमने चौराहे में भैया ने फोन लगाया कि ये लोग गाली गलौज कर रहे हैं, मैं थाने जा रहा था ना रखते हैं रोक कर 10-12 लोगों ने मेरे गाली से पटक लिया है, मेरी चेन तोड़ दी, मैं 2 चेन पहने रहता हूँ, चेन तोड़ के फ्रेंड ले गया है, मैंने काफी हाथ से चौराई कोशिश की लेकिन चेन छोड़ी नहीं है मेरी, जब मैं चेन छुड़ाने लगा हूँ तो उसके भाई ने आए पीछे लट मारा है, ये दोनों में चोट है, भाई को भी चोट है, मेरे कंधे में भी चोट है, काफी मेरा नाम है रविंद्र यादव, मैं अपने पिताजी के साथ आड़प के काम करता हूँ, गजेंद्र सिंह भाई जी रात को इन्हें फेसबुक पे गालियां बग रहे रात भर से, मेरे को असल बाप भी हो तो घास चौराहे पे आके दिखाओ, चौराहे पे जाकर ये 15-20 लड़के लेकर नच लेकर तैयार खड़े थे और जिस सर जहाँ डंडा मार दिया जहाँ और लोहे के सर से वार किया है, तो क्या ये फेसबुक आने का भैया ये कल पकड़ा गया है उसके कारण हुआ है, ये उसने पहले हम पर झूठा केस लगवाया था भैया पे हमारे रिंकू रिंकू कुमार क्या ये जी हमारे क्या पहले से हम पे झूठे केस लगवाए थे हम पे भैया पे हमारे पे सुरेंद्र सिंह पे और सिकंदर पे सर हमारे को नहीं है ये ही पहल करते हैं सर और ये हम क्या चाहते हैं सर हम तो न्याय चाहते हैं बस अभी हम सर हमारे भैया है और हम गाय है सुरेंद्र सिंह है और मेरा गजेंद्र सिंह है आयु खाने के निवासी हैं दोनों आपस में रिश्तेदार हैं सिकंदर सुरेंद्र कमरिया और रविंद्र कमरिया रिश्तेदार हैं आपस में और इनका पूर्व से विवाद चला आ रहा है किसी पूर्व विवाद को लेकर के आज इनमें दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ है और दोनों पक्षों से दो दो लोगों को चोट आई है दोनों पर कार्रवाई की जा रही है इस बारे में अभी स्थिति क्लियर नहीं है अगर ऐसा कुछ होगा तो उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा और उसमें आगे बढ़ाया जाएगा पहले जो ग्रुप है दोनों पक्ष हैं तो पहले बार में रंजीश हाँ बात तो अभी यही सामने आ रही है कि पूरी का छुट्टी बात चला रहा है इनका तो ये आपस में कभी भी छोटी छोटी बात को बड़ा इशू बना लेते हैं और लड़ जाते हैं इनके खिलाफ कई बार की गई है जिलावदर और एनएससी हुए हैं उनके खिलाफ में और आगे भी जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी उनमें दोनों पक्षों में की जाएगी। ग्वालियर जिले के मोहा थाना क्षेत्र में एक डैम के पास एक युवक का नर कंकाल मिला है। मोहना थाना क्षेत्र के अंतर्गत ककेटो डैम के पास जंगल में एक नर कंकाल मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। कंकाल काफी पुराना था, जो कपड़े मिले हैं उससे कंकाल किसी वृद्ध का प्रतीक हो रहा है। कंकाल का डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। यह भी पता चला है कि क्षेत्र में अमरदास उम्र 70 वर्ष 16 नवंबर से लापता है। पुलिस ने अमरदास के घर वालों को भी लाश की शिनाख्त करने के लिए बुलाया है। हम तो अचानक देखने गए थे तो हमको जंगल में लाश मिली थी कपड़े से कपड़े द्वारा पहचानी थी। क्या नाम है इनका? अमरदास। क्या करते थे? खेती करते थे। हाँ भूतपूर्व सचिव। कहाँ से? मोना बड़ागाम पंचायत से। बड़ागाम पंचायत। अच्छा कब से लापता थे? ये 16 नवंबर। घर से बच्चों की कह गए थे कि मैं बच्चों के यहाँ बच्चे पढ़ते हैं ग्वालियर तो बच्चों के मिलने जा रहा हूँ और सब्जी दूध की बोतल और 5,000 रुपए थे उनकी जेब में वो कुछ भी उनकी जेब में कुछ भी नहीं मिला। और जंगल वाड़ी में क्या बोलते हैं? तो डैम के पास 1 किलोमीटर
बगल में। क्या लगता है? नहीं, आत्महत्या किसी ने करी है, वो किसी ने मारे गए किसी के द्वारा। वैसे कोई किसी की हेल्प नहीं थी, पर लेकिन वहाँ पहुँचने की कोई संभावना नहीं थी। बलराम आप कौन लगते हैं? मेरा मेरे अंकल थे। क्या करते हैं आप? खेती करते हैं। मोहना में जो कंकाल मिला है उसमें वस्तुओं के आधार पे एक सीनियर सिटीजन, करीब 60-70 वर्ष के सीनियर सिटीजन धाकड़ जी थे, उनका डेड बॉडी होना प्रथम दृष्टया पाया गया है। और इसमें एफएसएल के डॉक्टर के द्वारा परीक्षण कराया गया है, पीएम भी कराया गया है, और पीएम के रिपोर्ट और जो एफएसएल एक्सपर्ट का रिपोर्ट है और अन्य साक्ष्य के आधार पर आगे कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। पूरे साक्ष्य को परीक्षण किया जाएगा और जो भी साक्ष्य में आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। आज की खबर में इतना ही, हम फिर मिलेंगे आपसे अगले बुलेटिन में। आप देखते रहिए आरबीएस न्यूज, सच की आवाज। जय हिंद, जय भारत।